शो में एक्सक्लूड में आप सबको स्वागत है। आज मैं दिखाने वाला हूँ एक नया सा कार जो कि ना आप लोग पहले से ही देख चुका है। अब फिर से उस गाड़ी को मैं नया कॉन्फ़िगरेशन में नया सिस्टम में रिचार्जेबल का साथ मैं उसको लेके आया और उसको लेके आ गया और फटाक से उसको अनबॉक्सिंग करने गया। दोस्तों देर किस बात की है तो कर दे फटाक से अनबॉक्सिंग। टन टन। तो दोस्तों मेरे पास आ गया ये सुपर लाइटिंग कार्स का एक शेक गोशेल में एक अच्छा कार्स कंपनी का रिमोट कंट्रोल कार है दोस्तों, जो कि ना ये रिमोट से चलेगा और रिचार्जेबल बैटरी भी इसका अंदर है दोस्तों। सामने में लाइट भी अच्छा से जलते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है क्योंकि ये रेड कलर का है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों देर किस बात का है तो फटक से खोल देता है इसको अंदर से यार। उसके लिए चाहिए मेरे को एक कटर। तो दोस्तों मिल गया मेरे को कटर और इसको करते है ओपन। टेन टेन दोस्तों इसको करते है फटक से ओपन। तो मेरे को चाहिए इसको, मैं किधर से कटू, मैं किधर से कटू। तो दोस्तों इधर से कट देता है, आसान होगा खोलने में भी दिखा देंगे। तो दोस्तों मैं इधर से काट लेता हूँ, इसके अंदर में क्या है निकाल देता हूँ फटक से। निकाल 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 जादू की घड़िया। तो दोस्तों इसका अंदर मेरे को कितना देखने में क्या मिल रहा है दोस्तों, ये व्हाइट कलर का लगा हुआ है। दोस्तों इसके अंदर मिल गया एक 9 वोल्ट बैटरी जो कि ना उसमें लगता रिमोट में। ये 4 वोल्ट बैटरी, ये हो गया चार्जर, ये हो गया रिमोट। इसको फटक से हटा देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर मेरे को मिल गया एक रेड कलर का सुंदर सा कार्स कार जो कि ना पिस्टन का लिखा हुआ है दोस्तों। ये काफ़ी सुंदर है देखने में, ऊपर से भी नीचे से भी हेवी स्ट्रॉन्ग लग रहा है दोस्तों। देखो दोस्तों ये कितना अच्छा लग रहा है। इसका अंदर मिल गया मेरे को 70 mAh का बैटरी जो कि ना इसका अंदर मेरे को मिला है। उसके बाद ये मिल गया मेरे को 9 वोल्ट बैटरी जो कि ना रिमोट में लगेगा। और दोस्तों इसके अंदर इसको गाड़ी को चार्ज करने के लिए मिल गया मेरे को ये चार्जर। तो दोस्तों फाइनली ये मेरे को इतना कुछ मिल गया इस गाड़ी में। तो अभी देखता है इसको कैसे ऑन करना है क्योंकि ये दोस्तों रिमोट का देखो दोस्तों जो रिमोट है ये काफ़ी सुंदर सा है, लेफ्ट राइट जाता है, इससे फोन बैक आ जाता है। तो इसका अंदर ये सेट कर देने का आराम से। देखो ये जो एंटीना है इसको हम एंटीना बोल देता है, तो ये सेट हो गया आराम से। जितना एंटीना दबाएगा उतना स्पीड भागेगा, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों और ज़्यादा देर आपको इंतज़ार नहीं कराऊँगा। तो दोस्तों मैंने इसको बारे में बहुत कुछ सुना था दोस्तों इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी स्पीड में चलता है और काफ़ी इसका जो क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ऊपर का जो ये देख रहा है ये प्योर मेटल का नहीं है दोस्तों, ये प्लास्टिक फाइबर का ही है लेकिन ये मेटल का नहीं है। देखने में पूरा मेटल जैसा लगता है और भारी भी है ओजोन में, तो इसको मेटल जैसा लगता है लेकिन ये मेटल्स का नहीं है, ये प्लास्टिक फाइबर का है दोस्तों। इसका अंदर जो लाइट दिया हुआ है जो मैं चलाया थोड़ा बहुत सा अभी, तो लाइट भी अच्छा दिया है दोस्तों इसका लाइट भी। और सामने वाला ये जो जीप देख रहा है दोस्तों, ये जो जीप देख रहा है ये अप एंड डाउन होता है दोस्तों, ये भी हमको अच्छा लगा। इसका अंदर देखो ये हाथ से ऐसा होता है और हाथ से भी ऐसा नीचे आ जाता है, क्यों आप लोग को एक टर्जन कार में देखे होंगे ना, सामने से आँख से देखता है कुछ उस टाइप का होगा, हम भी देखा था वो टर्जन कार। तो ये भी काफ़ी अच्छा ही लग रहा है दोस्तों। तो और इसका अंदर जो क्या स्पीड है क्या नहीं है वो तो मेरे को पता नहीं है। तो फिलहाल चलते हैं इसको फटक से ऊपर लेके और इसको करता है लाइव टेस्टिंग, तब पता चलेगा इसका स्पीड कितना है। तो चलिए इसको करता है टेस्ट। I'm
दोस्तों फाइनली मैं इसको चला के आया। ऊपर से इसको चलाते वक्त मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि ये बहुत स्पीड से भाग रहा था और इसको जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है ये भी काफ़ी स्पीड से स्मूथली चल रहा था। इसको से सराउंडिंग जो मैंने घुमाया वो भी काफ़ी मजबूत से चल रहा था। इसको चलाते वक्त मेरे को बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी को चलाते वक्त। तो इसका जो क्वालिटी देखा मैंने चलाते वक्त जो बहुत अच्छा लग रहा था और आपको भी वीडियो में बहुत पसंद आएगा होगा दोस्तों। और इसमें खासियत में मेरे को इसका जो बैटरी फंक्शन बैटरी है 7700 mAh का तो ये भी काफ़ी पावरफुल लग रहा था इस कार में, काफ़ी सूटेबल हो रहा था क्योंकि इस कार को इस एडप्टर से चार्ज किया हुआ चुका है क्योंकि इस एडप्टर में चार्ज किया बोल के इसका अच्छा चल रहा था, स्पीड भी अच्छा से अच्छा ले रहा था। तो मेरे को काफ़ी पसंद आया दोस्तों इस वीडियो में इसको चलाते हुआ। और जो क्या बात है जो फ्रंट और लेफ्ट जा रहा था ना वो भी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमको ये सब काफ़ी अच्छा लगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि ना बाद में आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और एक चीज़ है, आई बटन में मेरा इसका छोटा भाई का और कुछ मॉन्स्टर का लिंक दे दूंगा उधर जाके आई बटन्स में, तो उधर आप लोग जाके आप आराम से देख लीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी अच्छा था। और दोस्तों आप लोग इस सिलगुड़ी टॉयज़ में नया हो तो दोस्तों इंस्टाग्राम में जाके जल्दी से फॉलो कर दो सिलगुड़ी टॉयज़ का पेज उसको, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों न्यू जो अपडेट होता है वो मैं इंस्टाग्राम में डाल देता हूँ। और जो डायरेक्ट बात आप लोग मेरे साथ करना चाहते हो, जो कौन सा टॉयज़ का क्या देखना चाहते हो, सारा बात वो इंस्टाग्राम में मैं दे दूंगा। और आप लोग मेरे साथ डायरेक्ट कोई मैसेज करना चाहता हो तो उसका रिप्लाई भी मैं तुरंत कर दूंगा। तो आप लोग डायरेक्ट जाके फटाक से इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो और डेली अपडेट का मजा ले दोस्तों। और आप लोग फेसबुक पेज में सिलगुड़ी टॉयज़ को अगर लाइक नहीं किया जाके जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो क्योंकि सिलगुड़ी टॉयज़ को आप लोग क्यों करना है दोस्तों, इसका जो प्राइस है मैं सिलगुड़ी टॉयज़ का पेज में डाल देता हूँ क्योंकि आपको पता ही होगा सिलगुड़ी टॉयज़ में मैं डोर टू डोर सर्विस देता हूँ, इसलिए उसमें हम लोग एवरी टॉयज़ का परचेज रेट उधर मैं दे देता हूँ। तो आप लोग आसानी से जाके वो लाइक कर दो सिलगुड़ी टॉयज़ में ताकि इसका प्राइस आपको उधर से पता चल जाएगा दोस्तों। और आप लोग इस सिलगुड़ी टॉयज़ में आप लोग वीडियो में नया है दोस्तों तो जरूर यूट्यूब को जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ऐसे ही खतरनाक नया टॉयज़ का वीडियो आपको आते रहेगा और ऐसे ही वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि नया एक्सपीरियंस, नया एक्सपेरिमेंट, नया सब कुछ का साथ में आया हूँ दोस्तों। जस्ट चाइना खुल ले दीजिए, इससे भी बड़ा बड़ा धमाका आपको देखने वाला हूँ दोस्तों क्योंकि अभी इस गाड़ी में मैं वापस आ जाता हूँ दोस्तों। तो इस गाड़ी में हमको चलाते के सब कुछ अच्छा लग रहा था क्योंकि इसका जो जीप था वो भी मेरे को बहुत पसंद आया चलाते हुआ, तो सब कुछ इसका अच्छा ही था। अगर आप लोग इसको परचेस करना चाहते हो तो आसानी से टर्म्स एंड कंडीशन में सिलगुड़ी टॉयज़ का जो फेसबुक पेज है उधर जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, उधर जाके आप लोग आसानी से पाच के आसानी से देख सकता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।